हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। बारिश के मौसम में हर घर में भुट्टे तो ज़रूर आते हैं, तो आज हम भुट्टे से ही चटपटा नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे, जीरे को कुछ सेकेंड फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन की कली, साथ में 1 रफली कटा हुआ प्याज डालेंगे और 2 मिनट इन सभी को हम भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप भुट्टे के दाने, ये देसी भुट्टे के दाने हैं। भुट्टे के दाने को हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, इसे भी मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट इसे हमने ढककर पका लिया है और भुट्टे के दाने का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। भुट्टे के दाने को हल्का सा ठंडा करने के बाद अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखते हुए पीसना है। तो इस प्रकार से हमने इसे पीस लिया है। अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिसे मैंने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया है। साथ में इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें 1/2 कप ग्रेटेड पनीर डालेंगे। आप इसे बिना पनीर के भी बना सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, 1/4 टीस्पून नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह आप इसमें चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर कटलेट बनाएंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम सारे कटलेट बनाकर तैयार करेंगे। सारे कटलेट हमने बना लिए हैं। आप इसे चाहें तो कॉर्नफ्लोर और मैदे की स्लरी बनाकर, स्लरी में डिप कर ब्रेड क्रम से कोट कर फ्राई कर सकते हैं, या फिर इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स का बचा हुआ चूरा पड़ा है, जो लास्ट में डब्बे में बच जाता है। तो इस प्रकार से कटलेट को हम कॉर्नफ्लेक्स के चूरे से कोट कर देंगे, इससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और एक बार में इतने ही कटलेट डालें कि आसानी से फ्राई हो सके। अगर आप कटलेट को डीप फ्राई करना नहीं चाहते तो आप केवल 2 चम्मच तेल डालकर इसे शेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद इसे पलटेंगे और दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। बारिश के मौसम में भुट्टे से बने इस कटलेट की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।